जो हमारे अकाउंट्स के पेंडिंग फीचर्स रह गए थे उस पर स्टडी करते हैं अब हम। सबसे पहले हमारा है मल्टी करेंसी कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, अकाउंट्स। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी का बेसिकली क्या यूज़ होता है? अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं या गुड्स सेल कर रहे हैं, तो मैं आउट ऑफ द कंट्री परचेज कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली जो उनकी जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ जो ट्रांजेक्शन है रुपीज़ और पैसे में तो नहीं चलती है, डॉलर्स में, सेंट्स में, यूरो, अलग अलग अपनी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग वो करेंसी वेरी करती है। तो उसके लिए हम किस तरीके से बिजी के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी स्टैंडर्ड रेट वहाँ पे चल रहे हैं, जो भी उनके रेट्स हैं उस टाइम पर, उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है मल्टी करेंसी। इसके लिए हमें एक करेंसी कन्वर्जन मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो बाहर की कंट्री का, दूसरी कंट्री का जो रेट है, दूसरी करेंसी का वो जो रेट है वो डिफाइन करना है या नहीं करना। मल्टी करेंसी पे टिक किया, करेंसी कन्वर्जन डेसिमल प्लेसेस मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर सिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स, मास्टर्स के अंदर देखो ये दो नए मास्टर्स और ऐड हो गए हैं, एक करेंसी का और दूसरा करेंसी कन्वर्जन का। मैंने कहा कि मुझे जो डीलिंग करनी है वो डॉलर्स में करनी है, तो मुझे डॉलर्स के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड रेट क्या चल रहा है, किस रेट पे वो सेल हो रहा है और उसका बाइंग रेट क्या है इस आज की डेट पे। तो मैंने गई करेंसी कन्वर्जन पे, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी करेंसी बनी हुई है ठीक है, करेंसी का सिंबल, करेंसी स्ट्रिंग, करेंसी सब स्ट्रिंग और करेंसी कन्वर्जन मोड BPA और APB। ये है कन्वर्जन मोड, बेस करेंसी पर अल्टरनेट यूनिट। जैसे ऑब्वियसली रुपी हमारा बड़ा होता है और पैसा छोटा होता है, तो अगर हमारी जो सब स्ट्रिंग है वो छोटी होती है तो हम BPA फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट अगर मेरी सब स्ट्रिंग बड़ी है और मेन स्ट्रिंग छोटी है तो इसका अपोजिट लेंगे हम APB। तो मैंने ये लिया BPA, बेस पर अल्टरनेट करेंसी, सेव कर दिया। करेंसी कन्वर्जन पे आते हैं हम, यहाँ पे हमने डेट वाइज डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डॉलर के रेट होते हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो मैंने कहा कि 1 तारीख को इस करेंसी डॉलर करेंसी का कन्वर्जन रेट 50 है, सेलिंग 55 है, बाइंग रेट 52 है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड रेट कितना डिफाइन किया मैंने इसका 50, और सेलिंग रेट है 55, और बाइंग रेट कितना है इसका 52। मैंने 1 तारीख को ये रेट यहाँ पर डिफाइन कर दिए कि 1 तारीख को स्टैंडर्ड रेट ये है। अब मुझे क्या करना होगा, मल्टी करेंसी एनेबल करनी होगी अकाउंट मास्टर के अंदर। कुछ अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकती हूँ, सेव कर दिया। अब मुझे ये बताना है कि जो मैं सेल कर रही हूँ वो कौन सी करेंसी में सेल कर रही हूँ। मैंने कहा डॉलर में, तो इसने कन्वर्जन रेट क्या ले लिया, ऑटोमेटिकली 50 ले लिया, क्योंकि मैंने डिफाइन किया हुआ था 1 तारीख को कन्वर्जन रेट चल रहा है 50। बट लेकिन कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से फिर दोबारा चेंजेस हो गए और इसके रेट हो गया 51। ओके कर दिया मैंने।
मैं सेल कर रही हूँ 55 में, और जो स्टैंडर्ड रेट मैंने 50 लिया हुआ था वो कितना हो गया 51, और अब मैंने सेल करा है 55 रुपीज़ में। अब इस रेट्स के अंदर जो वेरिएशन हुआ उससे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। जो कन्वर्जन रेट में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरा गेन या लॉस आएगा ही, तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। बल्क अपडेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटो जनरेट फॉरेक्स गेन और लॉस वाउचर। जो भी ये फॉरेक्स गेन या लॉस होता है उसका अपने आप ही एक वाउचर जनरेट हो जाए। इस यूटिलिटी का क्या बेनिफिट होता है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है कि एक ऑटोमेटिकली जनरल वाउचर जनरेट कर लेती है। किस चीज़ के लिए, जो फॉरेन करेंसी की रिवैल्यूएशन रेट्स है ना उसमें जो रेट्स हमने डिफाइन करे हुए हैं उसके अलावा जो रेट्स हैं, जैसे मैंने करेंसी कन्वर्जन के अंदर जो रेट डिफाइन करा 50 कर दिया, लेकिन जब मैं उसको सेल कर रही हूँ तो किस में कर रही हूँ 51 में, उस टाइम पे उसका रेट चल रहा है 51 और सेल कर रही हूँ मैं उसको 55 में, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हुई है ना उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एक वाउचर पास कर देगा। अब कैसे करते हैं वो वाउचर पास, मैंने कहा कि मेरी पार्टी थी एक्स वाई जेड, इसके लिए मैंने एक फॉरेक्स गेन के लिए एक अकाउंट बना दिया प्रॉफिट एंड। रिजर्व एंड सरप्लस बना देते हैं, सेव कर दिया। रिवेल्यूएशन करेंसी कौन सी है, डॉलर। ये है रिवेल्यूएशन टाइप, इसमें क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस या नेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्लोजिंग बैलेंस के अंदर क्या होगा, आपने एक टाइम पीरियड चूज़ किया कि इस दिन से लेके इस दिन तक, तो उस पूरे वाउचर्स को उनकी अमाउंट को वो कैलकुलेट करेगा और जो अमाउंट बनेगी ना उसके ऊपर ये निकालता है कैलकुलेशन। ये प्रैक्टिकली करके देखोगे तो ज़्यादा पता लगेगा। और नेट ऑफ ट्रांजेक्शन करोगे तो जितने आपने वाउचर्स चले हुए हैं ना उसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू निकल कर आएगी ये कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी हम देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस पर, मैंने डेट दे दी आज की, जनरल वाउचर सीरीज मेन, और रिवैल्यूएशन रेट क्या था 50। अब इसने एक वाउचर बना दिया, फॉरेक्स गेन एंड लॉस डेबिट टू पार्टी। अब ये आया 55 रुपीज़, ये 55 रुपीज़ किस तरीके से हुए, जो अमाउंट आई है ये अमाउंट आई है 55 रुपीज़, ये किस तरीके से आई है देखो, नेट अमाउंट कितनी थी इसकी 55, अब वो रिवेल्यूएट हुए 2805, ये अमाउंट कितनी हो गई 2805। चेक करते हैं हम इसको, हमारा कितना प्राइस है 55 रुपीज़, ठीक है, हाँ 55 डॉलर, और $1 कितने का है, जब हमने मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि सेलिंग प्राइस जो है 55 है और $1 का प्राइस कितना है मेरा 50 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ जब मैंने इसको सेल करा तो कितने में करा है 55 के अकॉर्डिंग, तो इसकी अमाउंट कितनी बन गई डॉलर, कन्वर्जन रेट यहाँ पे दे दिया मैंने 51। एक सेकेंड, ये रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार ना,
जो ये फॉरेक्स गेन और लॉस निकलता है वो हमारी उस वैल्यू से निकलता है कि जिस दिन हम सेल कर रहे हैं तो सेल हम किस अमाउंट पे कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस मैंने करेंसी कन्वर्जन के अंदर डिफाइन कर दिया, दैट इज़ ₹55, और मैंने कहा था कि इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना है, ₹50। लेकिन जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन डॉलर के रेट बढ़ गए, उसने 50 की जगह क्या कर दिया, ₹51 हो गए हैं। तो उसका जो करेंसी के अंदर वैल्यूएशन हुई है, तो जो हमारी नेट अमाउंट निकल कर हमारा प्रॉफिट निकल गया है, दैट इज़ ₹55। नेक्स्ट है मेंटेन सब लेजर। मेंटेन सब लेजर का कंसेप्ट होता है, जैसे हमारी ये कंपनी है, डेली बेसिस पे हमारे कुछ छोटे छोटे से खर्चे होते हैं, तो अब हम सब कुछ मेंटेन करें उसके अंदर, टी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मल्टीपल टाइप के जो है हमें एक्सपेंसेस के लेजर बनाने होंगे और उसके अकॉर्डिंग जर्नल में एंट्री करनी होगी, इस एक्सपेंसेस के इतने हो गए। बट लॉजिकली ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हम मेंटेन करें उसको, क्योंकि जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो स्टेशनरी भी लग रही है, फूड आइटम्स में भी कुछ ना कुछ आ रहा है, चाय के पैसे भी लग रहे हैं, कुछ बिस्किट नमकीन आ रहा है उसके भी लग रहे हैं, या कुछ हमें परचेज करा हमने, पेपर वगैरह स्टेशनरी परचेज करी है उसके भी पैसे मेंटेन हो रहे हैं। तो उन सबको बाइफरकेट करने की बजाय जो है हम एक एंट्री दिखा दे कि ये है हमारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस, और उसके बाद हम नीचे डिफाइन कर दे कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो है इस चीज़ पर हमारे इतने लगे हैं, और एक एंट्री पास करके दे दे कि ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर है। तो उसके लिए हमने एक मेंटेन करा जिसका कंसेप्ट होता है मेंटेन सब लेजर, जहाँ पे हम एक सब लेजर मेंटेन कर सकते हैं जनरल जनरल के अंदर। ये किस तरीके से होगा, मैंने एक बनाया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ लेजर टाइप में मैंने दे दिया कि ये क्या है, जनरल लेजर, ये मेरी मेन लेजर होगी। अब इसके अंदर जितने ही मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो हो जाएंगे सब लेजर। अब सब लेजर किसके सब ले, किसका सब लेजर होएगा, ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस का, मुझे डिफाइन करना होगा ना कि ये किसके अंदर है। मैंने यहाँ पे ग्रुप दे दिया एक्सपेंसेस, अब मैंने कहा टी एक्सपेंसेस, अब मैं फिर इसे मेंटेन करूँ एक्सपेंसेस के नाम से तो नहीं होगा। मैंने यहाँ सब लेजर करा और यहाँ पे डिफाइन कर दिया मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये दिया मैंने स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इसमें भी सब लेजर और जनरल लेजर डाल दी मैंने मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मैं यहाँ पे टी एक्सपेंसेस डालूं, अब मैं इस तरीके से बाइफरकेट करूँगी छोटे छोटे एक्सपेंसेस, तो आप सोचो कि जो हमारी एंट्री है वो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या डाल दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरे पास लेजर मेंटेन हो जाए, और मेरे को अगर देखना हो कि किस हेड में कितने कितने खर्चे गए, बस मैं वो देख सकूँ, मुझे जर्नल का लेजर बनाने की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मेरे टी एक्सपेंसेस पे ₹100 लगे हैं और स्टेशनरी पर ₹500 लगे हैं, ₹600 ले लिया उसने। अब उसको मैंने बाय कैश पे किया है, तो यहाँ पे कैश डिफाइन करके नीचे नरेशन मेंटेन कर देंगे और सेव कर। अब मुझे इसकी रिपोर्ट्स देखनी है तो डिस्प्ले के अंदर जाके अकाउंट बुक्स में लेजर, अब मेरे पास अभी तक दो ही हेड्स आते थे, अकाउंट वाइज और मर्ज अकाउंट्स। अब ये मैंने सब लेजर मेंटेन कर दिया, तो मुझे अगर अपने सब लेजर्स की डिटेल्स देखनी है तो वो भी मैं देख सकती हूँ। वन सब लेजर किया मैंने, टी एक्सपेंसेस कर दिया और डिफाइन कर दिया, टी एक्सपेंसेस का पता लग गया। अब मैंने कहा कि मुझे स्टेशनरी का देखना है, मैंने स्टेशनरी डिफाइन कर दिया तो स्टेशनरी का आ गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सबका देखना है, मैंने यहाँ मिसलिनियस एक्सपेंसेस डाला और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्या मुझे सब लेजर डिटेल्स देखनी है, मैंने कहा हाँ मुझे देखनी है, तो मैंने इसे यस कर दिया।
अब मुझे ये पता लग गया कि मेरे मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे 600 रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से टी एक्सपेंसेस पे 100 रुपये और स्टेशनरी पे 500। अब इससे क्या हुआ कि मुझे बाइफरकेटेड डिटेल्स भी मिल गई और मेरा वाउचर की जो एंट्री है वो भी बहुत लेंदी नहीं हुई। यहाँ से अभी मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अगर देखना हो तो वो भी देख सकते हैं हमें। ये जनरल लेजर में सबकी ये पोस्टिंग आ गई कि डेबिट इतना हुआ है, क्रेडिट इतना हुआ है और बैलेंस मेरा इतना है, टी एक्सपेंसेस के नाम से इतना हुआ है, स्टेशनरी के नाम से इतना हुआ है, तो मुझे एक्यूमुलेटेड पूरी लेजर मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सब लेजर देखने हैं, ऑल सब लेजर देखने हैं, तो आप देख सकते हो जो आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका पार्टी डैशबोर्ड। देखो जब हम कॉन्फ़िगरेशन में चेक करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक यूज़र वाइज डैशबोर्ड होता है, यूज़र डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम अपने यूज़र्स को राइट देते हैं कि जैसे ही वो बिज़ी ओपन करे तो उनको क्या क्या डिटेल्स वहाँ पर ऑन द स्क्रीन शो हो जाए। जैसे कार में होता है ना डैशबोर्ड, सारी स्पीड सब चीज़ें मेंशन हो रही होती है, या फिर कहीं हम बेसिकली कार के लिए होता है जहाँ पे हमें सारा हाईलाइट हो जाता है, या फिर बस में आप देखते हो, मेट्रोस में देखते हो, ऊपर हाईलाइट हुआ वो आता है कि नेक्स्ट स्टेशन ये है। तो इस तरीके से मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो जो मेरा मेन बैलेंस है, पार्टी का बैलेंस है या बिल्स मेरे पेंडिंग है, वो सब चीज़ें मेरी मेंटेन हो। जैसे मैं बिजी ओपन करूं मुझे पता लग जाए कि इतने मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मुझे पता लग जाए कि 5 कोई भी ट्रांजेक्शन जो है स्टार्टिंग की जो है ना टॉप वो दिखाई दे जाए, अभी तक का मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, मेरा प्रॉफिट इतना आ रहा है, तो मैं यूज़र वाइज डैशबोर्ड के अंदर देख सकती हूँ मैंने जिस यूज़र को जितना राइट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़र वाइज डैशबोर्ड यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। जो जो चीज़ दिखानी है उस पर यस कर दो, जो नहीं दिखाना उस पर नो कर दो। ये होता है यूज़र वाइज डैशबोर्ड। अब हमने कहा यूज़र वाइज तो ठीक है, मुझे पार्टी वाइज डैशबोर्ड भी देखना है, तो हमने वो नया ऑप्शन दिया है जिसके लिए फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जाकर अकाउंट्स में जाकर यहाँ अनेबल पार्टी वाइज डैशबोर्ड को यस करना होता है। अब ये पार्टी डैशबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन करनी है मुझे, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मैं पार्टी सिलेक्ट करूँ ना मेरे पास वो डैशबोर्ड आ जाए। तो ये कह रहा है कि क्या पार्टी डैशबोर्ड आपको देखना है पार्टी सिलेक्ट करने के बाद? मैंने कहा हाँ मुझे देखना है, मैंने इसे सेव कर दिया, एग्ज़िट किया। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पार्टी डैशबोर्ड भी आ गया साथ में, पार्टी मैंने कहा कि ए। अब इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि जब भी मैं सेल करूँ पार्टी को तो मुझे उस पार्टी का ये पता लग जाए कि ग्रुप क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना है मुझे पता लग जाए, और कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है उसका, इस बिल को एंटर करने से पहले क्या करंट बैलेंस चल रहा है वो पता लग जाए मुझे। तो जो जो डिटेल्स मुझे देखनी है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक फॉर्मेट कन्फिगर कर दूंगी जिससे मुझे वो डिटेल्स ऑन एंटर शो हो जाएगी। मैंने ए नाम दे दिया, पार्टी को एंटर किया, फॉर्मेट सिलेक्ट किया, अब यहाँ आ रहा है कन्फिगर। अब कन्फिगर के अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन है, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारे ट्रांजेक्शन है। ये जो पार्टी डैशबोर्ड आपको कॉन्फ़िगर करना है किसके लिए करना है? मैंने कहा मुझे सेल के लिए करना है। तो इसमें कहा है कि क्या आपको पेंडिंग बिल्स देखने हैं? मैंने कहा यस। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ है बिजी के अंदर इनबिल्ट कि क्या क्या डिटेल्स बेसिकली चाहिए होती है पार्टी को। अगर इन डिटेल्स के अलावा कुछ और चाहिए तो हम यहाँ से कॉल करवा सकते हैं ऑल्ट F4 प्रेस करके। मैंने कहा चूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फॉर सेल। अब यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है एक तो लेजर का बैलेंस, ऑब्वियसली किसी पार्टी का हम एंटर करते हैं तो हमें उसका बैलेंस चाहिए होता है। डेबिट क्रेडिट के साथ देखना है मुझे, लास्ट सेल कितनी हुई है, लास्ट रिसिप्ट कितनी है, लास्ट सेल वाउचर की अमाउंट कितनी है, तो ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि मुझे ऑन एंटर पे देखनी है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो आपने एंटर प्रेस किया, ऑल्ट F4 प्रेस करोगे तो ये सारी फील्ड्स हैं, अकाउंट फील्ड्स, ऑप्शनल फील्ड, अमाउंट, वैट, एक्साइज, जो चीज़ आपको चाहिए
वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और जैसे आपने कहा कि एड्रेस की लाइन चाहिए तो यहाँ पे एड्रेस की लाइन कॉल कर दी। उसके करेक्टर्स को कम ज़्यादा आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और लेफ्ट अलाइन करना है तो L, राइट अलाइन करना है तो R, और सेंटर अलाइन करना है तो C। मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैंने पार्टी पे एंटर किया तो ये मेरे पास पार्टी डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये है पेंडिंग बिल रिसीवेबल। अगर हमने बिल बाय बिल डिटेल्स मेंटेन करी हुई है तो जितना ही मेरा पेंडिंग अमाउंट है वो सारा यहाँ शो हो जाएगा। ये सारी मेरी ट्रांजेक्शन्स है जो दिखाई दे रही है, और ये पार्टी वाइज समरी, लेजर बैलेंस, लास्ट सेल, रिसिप्ट, टोटल सेल और टोटल रिसिप्ट। ठीक है, अब मैंने एक फील्ड ली थी एड्रेस की, तो इसमें पार्टी में एड्रेस डला नहीं हुआ अभी। चेक करते हैं कहाँ पर डाला था। आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा फॉर्मेट ना, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, अकाउंट्स, जहाँ पे हम पार्टी डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर ही मुझे डिफ़ाइन करना है कि कौन सा सी इस सीरीज़ के लिए मुझे कौन सा फॉर्मेट लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आता है तो मुझे जो मैंने बनाया हुआ है अगर वो चाहिए तो मुझे यहाँ पर टैग करना होगा, और डेटा एंट्री में मुझे दिखाना है तो उसको यस कर देंगे। ठीक है, बस ये था पार्टी डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट आपका है ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। तो ब्रोकर्स हमारे कौन होते हैं? जो भी हमारे इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे अगर हमें कोई चीज़ सेल करनी है और सेकंड पर्सन को वो परचेज करनी है तो हमारे बीच में एक इंटरमीडिएट होता है जो कि हमें ये बताता है कि इस पर्सन को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और हमारा भी काम हो जाता है और उसका भी काम हो जाता है। तो इससे उस जो सेंटर में पर्सन है, जो इंटरमीडिएट है, उसको क्या बेनिफिट हुआ? उसने हमसे भी कमीशन चार्ज करी और जो बंदा खरीदने वाला है उससे भी कमीशन चार्ज करी। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम रेंट पे घर ले रहे हैं या फिर हम कुछ कोई भी घर परचेज कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने वाले किस किस एरिया में कौन कौन से ऐसे घर है जो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। और जो पर्सन सेल करने वाला है उसको भी नहीं पता कि कौन सा पर्सन अच्छा है, सारी चीज़ें देख कर ही वो सेल करेगा। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर दोनों तरफ से पूरी हो रही है तो अगर हमें भी पता लगे, तो ये जो इंटरमीडियरी होते हैं इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि जिसने बेचना है और जिसने ख़रीदना है, उन दोनों की डिटेल्स को वो कलेक्ट करता है, और जो एक सेंटर में आकर जिस क्राइटेरिया जहाँ पे लगता है कि हाँ ये क्राइटेरिया यहाँ फुलफ़िल कर रहा है, तो
वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इनसे परचेज कर सकते हो और आप इनको सेल कर सकते हो। अगर वो उन दोनों की आपस में सेटलमेंट हो जाती है, डील फाइनलाइज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कमीशन चार्ज करती है की जाती है। इसी तरीके से ये जो फीचर है सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, बिजी के अंदर भी यही रोल प्ले करता है। जब हम कुछ सेल कर रहे होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग सेल्समैन बना देते हैं कि भाई अब तू जाएगा सेल करके आएगा, अगर आपकी सेल्स इतनी हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको ब्रोकरेज देते हैं। ब्रोकरेज इज़ व्हाट व्हाट दैट इज़ कॉल्ड कमीशन। जो स्टॉक मार्केटिंग में पर्सन होते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, उनके लिए हमने टर्म ब्रोकर ब्रोकर लिया होता है, जो उनको मिलती है दैट इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज। लेकिन यहाँ पे जब हम सेल्स कर रहे हैं तो उसके लिए कमीशन ही यूज़ होगी। ठीक है, कैप्शंस जो यहाँ बाय डिफॉल्ट यूज़ हुई हुई है सेल्समैन और कमीशन। अब हमें ये देखना है कि जो कमीशन हमें कैलकुलेट करनी है वो वाउचर लेवल पे करनी है या आइटम लेवल पे करनी है। अगर हम बात करते हैं वाउचर लेवल की, तो मैं अगर एक सेल का बिल बना रही हूँ या परचेज का बिल बना रही हूँ, तो उसके अंदर मेरी 10 आइटम लग रही है और 10 आइटम के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि पूरा एक्यूमलेट होकर एक ही पर्सन, मेरा सेल्समैन ए जब सेल कर रहा है, तो मैं उस वाउचर के बिहाफ पे उसको कमीशन दूंगी। तो उसके लिए हम वाउचर लेवल को यूज़ करते हैं। बट मैंने अगर जो अपने ब्रोकर्स डिफाइन करे हुए हैं वो आइटम के अकॉर्डिंग करे हुए हैं कि ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, डी आइटम, मेरी ये 4 आइटम्स है, हर एक आइटम पे मेरा डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर है, तो मुझे हर आइटम के अकॉर्डिंग जो है ब्रोकरेज जो चार्ज करनी है वो आइटम लेवल पे करनी है। जैसे ही मैं अमाउंट एंटर करूँ या आइटम एंटर करूँ, उसके बाद वहाँ पर ही मेरे से पूछ ले कितनी ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी है या ब्रोकरेज किसके थ्रू कैलकुलेट होगी। तो आइटम लेवल पे करनी है या वाउचर लेवल पे करनी है, हमें जो कमीशन अप्लाइड होनी है वो वाउचर लेवल पे या आइटम लेवल पे। वाउचर लेवल तो इट मींस कि सारी आइटम्स में एक्यूमलेट कर पूरे बिल की अमाउंट के ऊपर जो लगती है, और आइटम लेवल पर्टिकुलर हर एक आइटम की अमाउंट के ऊपर। अब मुझे ये बताना है कि जो आपकी ब्रोकरेज लग रही है ये सेल परचेज पर है या पेमेंट रिसिप्ट में है। जैसे कि बिल्कुल क्लियर है इन सब चीज़ों से कि हम जब सेल कर रहे हैं तो हमें क्या पता कि उससे पैसा हमें आएगा या नहीं, हमारी तरफ से तो स्टॉक जा चुका है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक्चुअल में रिसिप्ट होगी तभी हमें पता लगेगा कि हाँ भाई इसको कमीशन देनी बनती है। तो डिपेंड करता है कि जो कमीशन आपको देनी है वो सेल्स पे देनी है या रिसिप्ट पेमेंट पे देनी है। ये भी हो सकता है कि आपके जिन पर्सन को आप सेल कर रहे हो उनसे अच्छे लिंक है आपके, आपने सेल कर दिया, आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप सेल की अमाउंट के ऊपर ही चाहते हो कि ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी है, तो हम सेल परचेज में एनेबल कर देंगे। बट अगर सेकेंडली हमारा पेमेंट रिसिप्ट के अंदर हो रहा है तो सेल परचेज से हटाकर हम अनेबल कर देंगे पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर। यहाँ पे है कि जो कमीशन आपको लगानी है किस के ऊपर लगानी है। मैंने कहा कि स्पेसिफाई डिफॉल्ट कमीशन ब्रोकरेज, हाँ मुझे ब्रोकरेज स्पेसिफाई करनी है, कहाँ करनी है। या तो आप इसी मास्टर में स्पेसिफाई कर दो कि सबके लिए कमीशन सेम ही चलेगी, जो सबके लिए ब्रोकरेज का मोड होगा वो परसेंटेज बेसिस ही है, तो परसेंटेज पे कैलकुलेट कर देंगे। मैंने कहा एक लमसम अमाउंट है, एब्सोल्यूट अमाउंट हम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज, तो वो डिफाइन कर सकते हैं। या फिर पर मेन क्वांटिटी, मैंने 10 पीस बेचे, मैंने कहा कि जो मैं ब्रोकरेज आपको दूंगी वो पीसीस के अकॉर्डिंग दूंगी, जितना आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कमीशन बनेगी। मैंने कहा एक प्रोडक्ट पे मैं आपको 100 रुपीज़ दे रही हूँ, तो जितने प्रोडक्ट्स को आप बेचोगे उसके अकॉर्डिंग वो 10 के मल्टीपल में हो जाएगी। सेम चीज़ अल्टरनेट क्वांटिटी पर भी वेरी करती है। मैंने कहा जितनी आप अल्टरनेट यूनिट को सेल आउट करोगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अब ये तो था कि ये जेनरिक हो जाएगी सबके लिए, बट मैं ये चाहती हूँ कि सेल्समैन वाइज मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैंने कहा जो मेरा ए सेल्समैन है उसको 10% कमीशन दे जाएगी, सेल्समैन बी को 15% देनी है, सेल्समैन सी को 20% देनी है। तो जो मुझे डिफाइन करनी है ब्रोकरेज सेल्समैन के थ्रू, सेल्समैन वाइज डिफाइन करनी है, तो मैं सेल्समैन मास्टर लूँगी यहाँ पर। या फिर मैंने कहा कि पार्टी पे डिपेंड करता है, पार्टी वाइज मैं सेल्समैन डिफाइन कर दूंगी, तो जिस पार्टी को मैंने सेल कर रही हूँ तो उस पार्टी के अकॉर्डिंग मैं कमीशन डिफाइन करती हूँ। अब कैसे करेंगे देखते हैं। एक लास्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक सेपरेट कमीशन और ब्रोकरेज इन ईच वाउचर। अब मैं ये चाहती हूँ कि हर वाउचर के अंदर सेपरेटली कमीशन जितनी भी चार्ज हो रही है ना वो मुझे वो व्यू हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको टिक कर दूंगी। लास्ट वाले ऑप्शन को भी टिक नहीं कर रहे, देखते हैं। मास्टर्स में गए हम, अभी एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कर रखा है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर।
मैंने कहा सेल्समैन है मेरा, नाम जो है सेल्समैन है, ब्रोकर का कमीशन वाउचर लेवल पे हो रही है, सेल परचेज में हम चार्ज कर रहे हैं कमीशन को, और डिफॉल्ट ब्रोकरेज जो है सेल्समैन में डिफाइन कर दी है। मास्टर्स में जाकर पहले तो हम क्या करेंगे, सेल्समैन बनाएंगे। मैंने कहा सेल्समैन ए, एड्रेस डिफाइन कर देंगे, जो डिटेल्स है कमीशन की। मैंने कहा परसेंटेज बेसिस पे 10% अमाउंट को अगर फ्रीज करनी है तो मैं यहाँ पे यस कर दूँगी, अदरवाइज नो कर दूँगी। यह है सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, सेल्समैन का जो अकाउंट क्रेडिट होगा मुझे वो डिफाइन करना है, तो मैं सेल्समैन का एक अकाउंट बना दूँगी। वाउचर लेवल पर है, सेल्स के वाउचर में है, और हमने कहाँ पे ब्रोकरेज डिफाइन कर दिया है, सेल्समैन में। अब यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी कि आपको स्पेसिफाई करनी है सेल्समैन की डिटेल। आपने इस पे यस कर दिया, सेल्समैन का नाम दे दिया ए परसेंटेज। अब इसने जो आपने सेल्समैन के मास्टर के अंदर डिफाइन की हुई थी ऑटोमेटिकली ले ली। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी कमीशन की अमाउंट कितनी हो गई, 1000 रुपीज़। हम डिस्प्ले में जाते हैं, यार है मेरा कमीशन कैलकुलेशन। वन सेल्समैन, सेल्समैन ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, जितनी उसको कमीशन हमने देनी है वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। इस बिल नंबर पे टोटल बिल की अमाउंट इतनी है, क्वांटिटी 10 है, 10% कमीशन दी है, तो आपकी कमीशन की अमाउंट कितनी बन गई, 1000 रुपीज़। अब मुझे पोस्टिंग करनी है, तो जैसे रॉयल्टी में हमने करते थे, यहाँ पे मैंने F4 प्रेस करा, मैंने डिफाइन कर दिया कि वाउचर रेट क्या है, कमीशन पेबल अकाउंट फॉर परचेज एंड कमीशन पेबल अकाउंट फॉर सेल, कि जब आप परचेज कर रहे हो तो कमीशन जब पे करोगे जो आपका पेबल अकाउंट होगा वो क्या है और सेल के टाइम पे क्या है, तो ये आपको डिफाइन करना है। जब भी आप परचेज करोगे तो परचेज के अकॉर्डिंग कमीशन पेबल अकाउंट कर देंगे। क्या होता है कमीशन पेबल अकाउंट फॉर परचेज, क्या होगा, जब हम परचेज करते हैं, परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे कमीशन पेबल अकाउंट क्या होगा हमारा, यहाँ पर अकाउंट्स डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ हमें कमीशन का एक परचेज का हो जाए, हाँ तो मुझे इस तरीके से कमीशन के अकाउंट बनाने होंगे, जैसे कि मैंने बना दिया। हाँ कमीशन ऑन सेल्स मैंने दोनों में ये अकाउंट टैग कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है हमारा एक्सपेंस। अब मेरा एक जनरल वाउचर पोस्ट हो गया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्समैन ए, और ये सेल्समैन मैंने कहाँ पे डिफाइन करा था, सेल्समैन का जब मास्टर क्रिएट किया था तो वहां पे डिफाइन कर दिया था।
अब ये तो था जेनेरिक, मैंने यहाँ पे जो रिपोर्ट में चेक कर रही थी वहाँ मैंने F4 प्रेस करा और यहाँ मैंने अकाउंट पोस्ट कर दी, बट अगर मैं चाहती हूँ कि सेल्समैन के अकाउंट के अंदर ही मैं वहाँ डिफाइन कर दूँ, जब सेल्समैन का मैं मास्टर क्रिएट कर रही हूँ वहीं पे अगर मुझे पोस्टेज करनी है, तो एक ऑप्शन जो हमने अभी नहीं किया था फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर अकाउंट्स में, ये ऑप्शन था पोस्ट कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड अकाउंट्स, ओके करा, सेव किया, हम सेल्समैन में जाते हैं, यहाँ पे ये सारे अकाउंट्स आ गए, कमीशन अकाउंट टू बी डेबिटेड, कमीशन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यहाँ पे हम सारा अकाउंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये था वाउचर लेवल पे, अब मुझे अगर आइटम लेवल पे करना है तो क्या होगा, आइटम लेवल पे करा तो यहाँ पे पार्टी मास्टर की जगह पे आइटम मास्टर आ गया, ओके करा, जैसे मेरे एक आइटम की ट्रांजेक्शन खत्म होएगी वैसे ही वो विंडो आ जाएगी, अब ये आइटम वाइज कैलकुलेट होएगी जो आपके आइटम की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग, 10% 10 रुपये। सेम तरीके से पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर भी यही चीज़ होगी, वो करके देखना है आपको प्रैक्टिस, और ये सारे ऑप्शंस को एक बार यूज़ करके देखो आप, एस स्पेसिफाइड बिलो में क्या होगा, आइटम मास्टर में क्या होगा, किस फीचर से क्या कोरिलेशन है, ये सारे फीचर्स को एक एक बार अप्लाई करोगे तभी क्लियर होएगा ब्रोकरेज का कंसेप्ट। रिपोर्टिंग पार्ट पे जाने के लिए कमीशन कैलकुलेशन में जाकर आप देख सकते हो, सेल्समैन और आइटम वाइज दोनों तरीके से आ जाएगी, और कोई भी लेजर अगर आपको ओपन करना है जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, मैं बिल रिसीवर पे गई, वन अकाउंट लिया, पार्टी ली, अब मैं चाहती हूँ ये पार्टी है और इसमें सेल्समैन ए से मुझे फ़िल्टर करना है, तो मैंने फ़िल्टर और सेल्समैन करा और यहाँ पे जिस फिल्टर जिस सेल्समैन की मुझे रिपोर्ट देखनी है स्पेसिफिकली मैं वो देख सकती हूँ, और बाकी सेल्समैन वाइज रिसीवेबल कितना मुझे उन सेल्समैन से रिसीव हो रहा है और कितना पे होना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट से। ये था ब्रोकर वाइज कैलकुलेशन। बाकी एक चीज और देखो, जैसे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास ना, एक है आइटम वाइज और एक वाउचर लेवल वाइज, तो मैं अगर आइटम लेवल पे देखूंगी तो मुझे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर नहीं पता लगेगा, क्योंकि जो मेरी कमीशन चल रही है वो आइटम लेवल पे चल रही है, मुझे अगर पार्टी वाइज ट्रांजेक्शन देखनी है तो यहाँ पे वाउचर लेवल करना होगा मुझे।